आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव, और ये पुलाव जो है वो मैंने रेगुलर चावल से बनाया है। आप चाहें तो आप बासमती राइस से भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर लिया है, इसमें ऑयल गरम करेंगे, उसके अंदर डालेंगे दालचीनी के टुकड़े, साथ में जाएंगे तेज़पत्ते और ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा पॉपअप हो जाएगा तो हम इसके अंदर स्लाइस की हुई अनियन डालेंगे और इसे हम सॉटे कर लेंगे। लेकिन प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही इसे सॉटे करेंगे। मैं यहाँ पर डालूँगी टमाटर और इसे भी हम सॉटे कर लेंगे। जब टमाटर जो हैं वो हमारे थोड़े से गल जाएंगे तब हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे और साथ में भीगी हुई सोयाबीन ऐड करेंगे। मैंने सोयाबीन को पहले से भिगो के रख लिया था तो यहाँ पर मैं वो ऐड कर रही हूँ। और ये डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से कुछ देर और सॉटे कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है मिर्च के अचार का थोड़ा सा मसाला और इसे डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसे चलाते हुए हम भून लेंगे, जब तक कि जिंजर गार्लिक की स्मेल नहीं निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। ये डालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। उसके बाद लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल, और चावल डालने के बाद सबसे पहले मैं इसे सोयाबीन के साथ मिलाऊंगी। और अब यहाँ पर मैंने दही को ऐड किया है, और दही डालने के बाद हम इसे चावल और सोयाबीन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही से जो है वो ये सॉफ्ट बनेंगे और इसमें फ्लेवर भी अच्छा आएगा। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं दही से जो है वो पानी रिलीज़ हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी, और गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी वाटर। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए थे तो लगभग जो है वो 1.5 कप के करीब मैं पानी यहाँ पर इसके अंदर ऐड करूँगी। ये हमारे रेगुलर राइस हैं तो इसलिए जो हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, ये थोड़े छोटे ही रहेंगे। तो बस लगभग 1.5 कप के अकॉर्डिंग मैंने पानी ऐड किया है। अगर आप खुले हुए बर्तन में बना रहे हैं तो आप 2 कप पानी इसके अंदर ऐड कीजिए। ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद हम इसे जब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है, तो यहाँ पर मैं थोड़े से पनीर के पीसेस डाल दूँगी। और पनीर के पीसेस डालने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है वो डाल दूँगी, और उसके बाद हम लगा देंगे इसके लिड। और लिड लगाने के बाद हम इसके अंदर आने देंगे एक विसल। आने के बाद इसे हम खोल कर देख लेंगे, और ये हमारा जो है पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसे सर्व कीजिए, यह बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं ये हमारा रेगुलर राइस का पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।